और जिस भी डायरेक्शन में मुझे मूव करना है मैं इजिली कर सकता हूँ। अपने यूजर का कमेंट था कि जब बॉडी फ्लोट होती है तो उसके बाद हम स्टैंडिंग पोजीशन पे कैसे आए, मतलब जो बैक फ्लोटिंग करते हैं। तो ये यूजर का कमेंट मैंने भी पढ़ा था कि वो जब बैक फ्लोटिंग करते हैं इस तरह, फिर उसके बाद वो कहते हैं उनको वापस से जैसे ये इस पोजीशन में आने में उनको दिक्कत होती है, वो नहीं आ पाते। पहले हम इसकी साइंस की बात कर लेते हैं, इसमें क्या साइंस अप्लाई होती है। तो देखिए जैसे हम लोग की बॉडी ये इस तरह फ्लोट होती है ना, तो अगर हम पीछे की ओर पुश करेंगे तो देखिए मेरी बॉडी ऊपर आती है, ठीक। ये मतलब क्या, जब हम पानी को नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात हमारी बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर आएगी, ठीक। तो यही चीज़ आपको उसमें अप्लाई करना है, जैसे आप फ्लोट कर रहे हैं अगर आपको सीधे खड़े होना है तो आपको यही चीज़ अप्लाई करना है पीछे की ओर। ये पहला स्टेप है, ठीक। ये पहला स्टेप है कि आप अपने हाथ को इस तरह करना है, मतलब शोल्डर से पीछे रहेगा आपका हाथ और इसको पीछे की ओर ऐसे पुश करना है, और जो आपका लेग होगा ये जो लेग एकदम सीधे रहता है फ्लोटिंग में इसको आपको अंदर की ओर मोड़ना है, ठीक। ये दो स्टेप आपको करना है इस तरह, देखिए जैसे आप फ्लोट करना है ये, ठीक। ये चीज़ आपका जो हाथ है ये पूरा राउंड पीछे की ओर से आएगा, और बहुत लोग गलती क्या करते हैं इसमें, गलती उन लोग ये करते हैं, वो लोग अपना हाथ अलग अलग डायरेक्शन में मारते हैं तो कभी बॉडी उनकी नीचे जाती है, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो प्रॉपर जो डायरेक्शन होती है वो होती है कि इसको ये हाथ है इसको पीछे की ओर दबाते हुए आपको पुश करना है पानी को। ये इसको फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से एक बार देख लीजिए, लेग का मूवमेंट देखिएगा और हैंड का, ठीक आया पूरा कंप्लीट। तो आपको लेग को अंदर की ओर करना है, मतलब लेग की क्या पोजीशन होगी, जैसे लेग आपका ये फ्लोटिंग टाइम में ये रहता है, फ्लोटिंग टाइम में ये रहता है ना, तो इसको अंदर की ओर करना है, क्योंकि अंदर की ओर जब करेंगे एंड जब हाथ से पुश करेंगे तो आपकी बॉडी रोल बहुत तेजी से होगी आगे की ओर, ठीक है। और पुश किधर करना है, मतलब जिधर आपको रोल करना है, मतलब जिधर आपको खड़े होना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा पुश करना रहता है। जैसे स्विमिंग में हम लोग को आगे बढ़ना रहता है तो हम लोग पानी को पीछे पुश करते हैं, तो अगर हमारी बॉडी ऊपर की ओर है हमको फ्रंट की ओर जाना है तो हमको पीछे की ओर पुश करना होगा, तो हमारी बॉडी आगे की ओर रोल करेगी। तो ये होता है बेसिक आपका, आप किस तरह से फ्लोटिंग करके वापस से सीधे खड़े हो सकते हैं, ये होता है ये होता है आपका क्वेश्चन और आपका सॉल्यूशन। और ये तो हो गई आपके आपका जो क्वेश्चन था, और इसके अलावा भी मैं एक टिप दे देता हूँ, जैसे फ्लोटिंग अगर आपको देर तक करनी है, बहुत लोगों क्या होता है कि वो इधर है फिर जैसे बहुत लोगों की दिक्कत क्या होती है, फ्लोटिंग करते रहते हैं तो उनके जैसे नोज़ में पानी चला जाता है, जैसे 90% लोगों की बॉडी इसी तरह होती है कि वो जब भी फ्लोट करते हैं शुरुआत में तो उनकी बॉडी जैसे मुँह है तो अंदर क्यों चला जाता है इस तरह, और नाक में पानी चला जाता है, ठीक। तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप शुरुआत में जब भी फ्लोटिंग सीखें तो अपनी बॉडी को हल्का हल्का आगे और या आगे की ओर मूव करें, एक जगह स्टिल मत रहिए। तो हल्का हल्का जब आप बॉडी इस तरह मूव करेंगे ना, ये देखिए मैं लेग नहीं चला रहा हूँ, सिर्फ मेरा हैंड चल रहा है और मेरी बॉडी ऊपर की ओर है, ठीक। देखिए अब मैं इसको ऐसे बांध ले रहा हूँ पैर अपना, तो भी मेरी बॉडी ऊपर है, जैसे मैंने पैर अपना दोनों मोड़ लिया, लेकिन मैं हैंड अपना मूव कर रहा हूँ। हैंड किस तरह मूव कर रहा हूँ, हैंड का मूवमेंट आप देख रहे होंगे ये इस तरह, और बहुत धीरे धीरे मैं मूव कर रहा हूँ, तो भी मेरी बॉडी ऊपर भी है और मैं आगे पीछे फ्लोट भी कर रहा हूँ, और जिस भी डायरेक्शन में मुझे मूव करना है मैं इजिली कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ भी सीखना होगा प्रॉपर तो आप कमेंट बताइएगा, मैं इस चीज़ की पूरी एक डिटेल्ड वीडियो भी ले आऊँगा कि आपको कैसे मूव होना है, लेफ्ट राइट इधर भी या राउंड इसी तरह घूमना है बिना लेग चलाए। जब आपका हाथ थक जाए तो आप लेग का यूज़ करिए, तो इस तरह ही आप अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं फ्लोटिंग की, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी फ्लोटिंग की मैंने एक प्रॉपर वीडियो जो थी फ्लोटिंग की वो मैंने अपलोड की हुई है, आप उसमें जाइए प्लेलिस्ट में और फ्लोटिंग वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक प्रॉपर वीडियो पहले आप उससे ट्राई करिए, तो जब आप उसको एकदम अच्छे से सीख जाएंगे फिर आप ये लेटेस्ट वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ, किस तरह मूव करना है, किस तरह रोल घूमना है, किस तरह आपने लेग का बिना यूज़ किए फ्लोट करना है, तो ये सब टिप्स आपको इस चैनल पे बहुत ही जल्दी मिल जाएगी और प्रॉपर तरीके से मिलेगी। आई थिंक बैक स्ट्रोक का स्टार्टिंग शायद इसी से हो जाए ना, शायद बैक अगर आप फ्लोटिंग इस तरह करने लग जाएंगे तो मान लीजिए जैसे आपने हैंड मूवमेंट करना
मतलब इस तरह फ्लोट करना सीख लिया आगे आगे मूव करते हुए, तो बस आपको इसमें क्या करना है, बैक स्ट्रोक सीखने के लिए एक हैंड डालिए, फिर थोड़ी देर रुक जाइए, फिर दूसरा डालिए, मतलब शुरुआत में इसी तरह करिए, फिर जब आप एकदम प्रॉपर आ जाएंगे तो प्रॉपर आपकी बैक स्ट्रोक भी इस तरह हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह आप पहले ये सब चीज़ सीखिए, क्योंकि स्विमिंग में हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप एक एक चीज़ पकड़ के उधर से सीखना शुरू करेंगे तो आप स्विमिंग के हर टेक्निक, हर टिप, मतलब हर टेक्निक जो भी है वो आप सीखते चले जाएंगे। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिली होगी। अगर मिली हो तो इसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिएगा अपने स्विमिंग फ्रेंड के साथ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।